हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन गुवाहाटी का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है इसमें, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, एप्लीकेशन फ़ी कितने लगने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी का रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दिया गया है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी, और पोस्ट कौन सा है, ग्रुप सी का पोस्ट है। और टोटल आपको वैकेंसियाँ कितनी मिलती हैं, 16 टोटल वैकेंसियाँ हैं इसमें। अब इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करना है आपको। एलिजिबिलिटीज़ में मांगा गया है 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस डिग्री होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए इसमें। पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एसटीएससी वालों के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, और एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाली है, आप पे जनरल है, ओबीसी है, एसटीएससी है, कोई भी कैटेगरी है, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पर। और आपका एप्लीकेशन जो आपको फिल करना है, वो डेट स्टार्ट हो चुका है, कभी से स्टार्ट हुआ, 17th मार्च 2022 से आपका डेट स्टार्ट हो गया, और 8 अप्रैल 2022 को आपका लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स दिए गए हैं, नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए वो बताया गया यहाँ पर। यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका यहाँ पर कैंडिडेट शुड है पास्ट एमएससी नर्सिंग, मतलब एमएससी नर्सिंग से आपका होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 2 टोटल पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपको क्या होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए 1 पोस्ट है, यहाँ पे आपका एमएससी नर्सिंग से होना चाहिए इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, और 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का क्या होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, फिर बीएमसीए होना चाहिए, फिर एमएससी होना चाहिए, फिर आईटी होना चाहिए, फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। और यहाँ पे आपको अकाउंटेंट का कितना होना चाहिए, अकाउंटेंट का आपका टोटल पोस्ट कितना है, 1 है। और यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 15 ईयर्स ऑफ सर्विस एज ए क्लर्क, मतलब 15 ईयर्स का क्लर्क की सर्विस आपने की हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्लर्क का है, और वार्डन का है, ड्राइवर का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज लिमिट बता दी गई है, 18 to 30 ईयर्स जनरल वालों के लिए, 18 to 32 ईयर्स ओबीसी वालों के लिए, 18 to 35 ईयर्स आपका एसटीएससी वालों के लिए। सैलरी कितनी मिलने वाली है, 10,580 रुपीज़ आपको सैलरी मिलने वाली है ये ड्राइवर एंड ऑपरेटर के लिए। वार्डन के लिए 21,160 रुपीज़, और यहाँ पे आपको क्लर्क के अकाउंट के लिए 30,225 रुपीज़, और अकाउंटेंट के लिए 17,200 रुपीज़। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका 15,870 रुपीज़, और 19,200 रुपीज़ इसके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर को कितना मिलने वाला है, 36,000 असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिकेटिव हेल्थ नर्सिंग या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 48,000 रुपीज़ है, और जनरल एन कोई भी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पर। आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा आपका, और रिटन टेस्ट लिए जाएंगे, और क्या क्या आएंगे उसमें यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रजिस्ट्रिंग आएगा 25th मार्क्स का, और 25th क्वेश्चन भी रहेंगे। और उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25th मार्क के 25th क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश आएगा 50 मार्क्स का, और यहाँ पर 50 क्वेश्चन भी रहेंगे, जनरल अवॉर्डनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 150 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सिलेबस दिया गया है जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रिशिंग का। उसके बाद जनरल अवॉर्डनेस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है, फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या चाहिए होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप किस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये PDF है, तो आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको एज लिमिट, एड्रेस, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन कौन कौन सा आपने पास किया है, बोर्ड कौन कौन सा, कौन से बोर्ड से, या फिर कौन से यूनिवर्सिटी से, ईयर कौन सा था और यहाँ पे आपको कितने परसेंटेज मिले थे, वो सब यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये ऑफलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपको ऑफलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।